नौकरी जाने के डर से बीजेपी नेता के बेटे ने की सुसाइड, क्या ये भारत में आने वाले मंदी की चेतावनी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। पिछले कुछ समय से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ बढ़ रही है। उत्पादन के सभी सेक्टर्स का बुरा हाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी तेजी धीरे धीरे खो रही है। अर्थव्यवस्था का हर क्षेत्र मांग की कमी से प्रभावित है। आरबीआई ने भी अपनी मौद्रिक समिति की बैठक में भारतीय अर्थव्यवस्था के जीडीपी ग्रोथ रेट के पूर्वानुमान को घटाकर 6.9% कर दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के आंकड़ों पर गौर करें तो निष्कर्ष निकल रहा है कि वह धीरे धीरे मंदी की तरफ बढ़ रही है। कॉस्ट कटिंग के नाम पर लोगों से उनका रोजगार छीनना अब कई कंपनियों की मजबूरी बन गई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी थमा हुआ है, कारोबार के रास्ते में कई ब्रेकर हैं। ऑटो सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पूरी जीडीपी का 7.50% और मैन्युफैक्चरिंग में 49% हिस्सा रखता है। लेकिन कंपनियों ने प्रोडक्शन कम कर दिया है, लोग गाड़ी खरीद ही नहीं रहे, तो गाड़ी बनाएं किसके लिए? नौकरियां जाने का डर कर्मचारियों पर हावी हो रहा है और कई लोग इस डर के आगे अपने घुटने टेक रहे हैं। अब चलते हैं खबर की ओर। जमशेदपुर के बारीडीह से एक नया मामला सामने आया है। यहां भाजपा के एक स्थानीय नेता हैं कुमार विश्वजीत। उनका 25 साल का एक इकलौता बेटा आशीष कुमार, जिसने आत्महत्या कर ली। शुक्रवार 16 अगस्त को आशीष ने अपने घर में पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया। पिता कुमार विश्वजीत ने जो बताया वो आपको डरा सकता है, लेकिन सच भी यही है। उनका कहना है कि बेटा खड़ंगाझार में जिस कंपनी में काम करता है वो कंपनी टाटा मोटर्स के लिए मोटर पार्ट्स बनाती है। करीब हफ्ते भर पहले आशीष ने कहा था कि पापा शायद मेरी नौकरी छूट जाएगी। वजह पूछी तो बताया कि टाटा मोटर्स में ब्लॉक क्लोजर यानी काम रुका हुआ है, जिसका असर उसकी कंपनी पर भी पड़ रहा है। ऐसे में हो सकता है कि मेरी नौकरी भी चली जाए। पिता ने बेटे को समझाया भी था, बावजूद इसके वो नौकरी को लेकर परेशान रहता था। हालांकि पुलिस को आशीष के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, पुलिस आत्महत्या की वजह तलाश कर रही है। अब ये एक चेतावनी है, ऑटोमोबाइल सहित और भी कई सेक्टर मंदा है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मजबूत सरकार में कमजोर आंकड़ों पर चल रही है। सरकार निर्णय लेने की बजाय इन आंकड़ों पर महज प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। नोटबंदी आर्थिक सुधार की जगह एक बड़ा आर्थिक संकट बनकर सामने आया। मोदी सरकार 2.0 के पहले पूर्ण बजट के बाद से बाजार में निवेशकों का 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक डूब चुका है। अर्थव्यवस्था को समझने वाले कह चुके हैं कि आने वाले कुछ महीनों में ही लाखों और नौकरियां जाने का अनुमान है।